चिंकी अपना टिफिन ले जाना मत भूलना। और तू सुन, अपना मुंह बंद रखना और हमें बात करने देना। हाँ हाँ मैं कोशिश करूंगी, उन्होंने कुछ बोला तो चुप नहीं रहूंगी। वो सगाई तोड़ देगी, हिम्मत से काम लेना। हमें समझ नहीं आ रहा कि ऐसी बात आपसे किस तरह करें। इन दोनों की सगाई ऐसे तोड़ना हमें भी अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन शादी के बाद इनकी नहीं बनती तो सगाई तोड़ने के बदले ये सारा मामला तलाक तक पहुंच जाता, तब मुश्किल हो जाती है। बात को इस तरह घुमाओ मत, साफ साफ बताओ आखिर बात क्या है। अब आपको अंदर की बात। भाभी आपको जो बोलना था आपने बोल लिया, अब मैं बात करती हूँ। क्या है ना आंटी, मुझे भी मेरे होने वाले हस्बैंड से कुछ एक्सपेक्टेशंस हैं। डरो मत, खुल के बताओ। जैसे कि वो पॉजिटिव हो, केयरिंग हो, इमोशनल हो, ऐसा इंसान जो दूसरों की फीलिंग्स की थोड़ी कदर करे आंटी। पर आपके बेटे वरुण में और इमोशंस में जमीन आसमान का फर्क है। तुम्हारे मुंह से ये सब बातें अच्छी नहीं लग रही हैं। मैंने जो देखा वही बता रही हूँ आंटी। जैसे मैंने एक दिन इसे मैसेज किया, मेरी टांगे बहुत दुख रही है, सुबह से मैंने बहुत शॉपिंग की, इसे पूछो इसने क्या रिप्लाई दिया। क्या रिप्लाई किया? रोज कैल्शियम की गोली खाया करो, एक सुबह में एक रात में। सुन लिया आंटी, लड़की को ऐसा रिप्लाई कौन करता है। अरे अरे अरे, तुम्हारी टांगे दुख रही है, अगर मैं तुम्हारे पास होता ना तो तुम्हारे लिए कड़क चाय बना देता, तुम्हारी टांगे दबा देता। मुझे ख्याल रखने वाला हस्बैंड चाहिए आंटी, हर बात पे दवाई लिखने वाला डॉक्टर नहीं चाहिए। फैमिली में एक डॉक्टर का होना अच्छी बात है बेटा। अगर मुझे डॉक्टर की जरूरत पड़ी तो मैं क्लिनिक जा सकती हूँ अंकल, उसके लिए मुझे डॉक्टर से शादी करने की क्या जरूरत है। कल अगर बाथरूम का फ्लश खराब हो जाए तो क्या मैं प्लम्बर से शादी कर लूँ। सही है, आप जैसे आंटी के सामने चुप बैठते वैसे यहाँ भी चुप बैठिए, मैं आंटी से बात करती हूँ। मिनी, शायद तुम वरुण को समझने में गलती कर रही हो। भैया तुम मुझे ज्ञान मत दो, भाभी डैडी को बिल्कुल पसंद नहीं है। डैडी ने बोला था कि अगर भाभी से शादी करोगे तो उम्र भर जोरू के गुलाम बन के रहोगे, और वही हो रहा है। मैं आप दोनों में झगड़ा नहीं लगा रही हूँ, बस सच बता रही हूँ। आपने भूख हड़ताल करके अपनी ही मर्जी से शादी की ना, वैसे ही ये शादी को मैं मना कर रही हूँ। भाभी वैसे आप मुझे बहुत पसंद हो, डैडी की बात दिल पे मत लो। आपको याद है जब आपके पापा हॉस्पिटल में एडमिट थे तब मैंने इसको रिपोर्ट दिखाई थी, पता है इसने क्या जवाब दिया था, आप ही पूछिए। क्या बोला था बेटा? वही बोला जो सच है, 12 घंटे में मर जाएंगे। इसकी जबान सच हुई और वो 12 घंटे में चल बसे। पर इसने गलत क्या कहा, आखिर वो मर ही गए ना। वो चल बसे उसका मुझे कोई दुख नहीं है, लेकिन ऐसे नेगेटिव बातें कोई करता है क्या। घबराओ मत अंकल, कुछ दिनों में भागने लगेंगे, ऐसे पॉजिटिव बातें करते हैं। नेगेटिव रिपोर्ट इसके कहने से पॉजिटिव नहीं होगी। पता है मुझे, लेकिन बोलने में कुछ जाता है क्या, उम्मीद पे ही तो दुनिया कायम है। मरते हुए आदमी को अगर बोलो कि तुम ठीक हो जाओगे, भागने लगोगे, तो हो सकता है कि वो कल उठकर मैराथन में भागने लग जाए। बेटा मैं कहती थी ना, सुंदर लड़कियों के पास दिमाग नहीं होता, अब देख लिया, डॉक्टर की शादी डॉक्टर से ही होनी चाहिए। देख बेटा, मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं तुमसे बहस कर सकूं, इसीलिए साफ कहती हूँ मुझे तुम पसंद नहीं। सेम टू यू। ये शादी तोड़ के बहुत अच्छा लग रहा है। हो गया बेटा, चल दूसरी देखते हैं। ओ दीनानाथ, चलो उठो। तब आपकी औलाद बैठना। छोड़ के सब चले गए। चलो मुझे लेट हो रहा है पिताजी। बेटा वरुण, कटिंग पियोगे ना? ऊपर वाले को मानते हो? थोड़ा थोड़ा। उसी ऊपर वाले ने आज तुम्हारी जिंदगी रस्ते लगने से बचा ली। अगर उससे शादी होती ना तो तुम्हें लट्टू की तरह ना चाहती। देखा ना कैसे अपने ही घर में अंगार लगा रही थी। इसमें नुकसान हमारा ही है। अपनी बेटी के लिए हमने तुम जैसा शरीफ और भोला भाला लड़का ढूंढा, लेकिन उसने सबके सामने तुम्हारी बेइज्जती कर दी। अब इससे तुम्हारे माँ बाप की तो हटेगी ही ना। वो लोग अपनी जगह सही है, तुम पढ़े लिखे हो, दिखने में एवरेज हो, टोटली गाय हो, तुम्हें लड़की मिल जाएगी। पर मेरी बेटी को कान के नीचे बजाकर उसकी हेकड़ी निकालने वाला कोई मवाली मिलना चाहिए। उसका इलाज भी है मेरे पास।
क्या हुआ प्रीति? चिंकी घर पहुंच गई क्या? स्कूल तो तू लेने गई है ना, तो मुझसे क्यों पूछ रही है? स्कूल की जल्दी छुट्टी हो गई थी ना, तो मुझे मिली नहीं। क्या कहा? मुझे बहुत डर लग रहा है। नहीं मिली तो कहाँ है? वॉचमैन से पूछा? पूछा वॉचमैन से। क्या चिराई? ठीक है ठीक है, तू वहीं पे रुकना, हम लोग बस पहुंचते हैं। क्या बात है सुमति? पता नहीं है क्या बोल रही है, चिंकी मिल नहीं रही है, उसका झाड़ते था। अरे मेरा पर्स लेकर आ। अरे सुनो, किसी दोस्त के साथ गई होगी, फोन करके पता करो। फ्रेंड के घर फोन करो ना। तू टैक्सी बुक कर। हां करती हूं। उसने टैक्सी बुक की क्या? हां कर रही है। मैं प्रिया को फोन करती हूं। हेलो प्रिया, मैं चिंकी की मम्मी बोल रही हूं। वो तुम्हारे घर आई है क्या? 2 मिनट में आ जाएगी। ठीक है, तुम उसका नंबर शेयर कर सकती हो क्या? कितना टाइम लगेगा? थैंक यू सो मच पापा। हाँ? आप घर पर ही रुको। हाँ ठीक है, इधर से आइए। यही सही है। क्या हुआ? चिंकी के स्कूल में आज हाफ डे था, लेकिन वो घर पर नहीं पहुंची और स्कूल में भी नहीं है। आपने स्कूल में पता किया? हम बस वहीं जा रहे हैं। कैब बुक किया है। कैब बुक किया है? मैं अपनी कार में ले चलता हूँ ना। आप रमेश को फोन करो। प्रीति ने फोन पे क्या कहा? जरा सीट बेल्ट पहन लो प्लीज। हेलो सुकन्या की मम्मी, मैं चिंकी की मम्मी बोल रही हूँ। चिंकी वहाँ आई है क्या? अरे बोला ना सीट बेल्ट पहन। क्या नहीं आई? चलो सुकन्या से बात करवाएंगे प्लीज। अंकल नवनीत बोल रहा हूँ। आज चिंकी का स्कूल हाफ डे था। बेटा सुकन्या, चिंकी स्कूल से कितने बजे निकली थी? आपके घर आई है क्या? क्या? अच्छा, अगर वो वहाँ है तो फोन करवाना प्लीज। थैंक यू। क्या बोले? वो सुकन्या के घर पर भी नहीं है। इस तरह स्कूल में आकर बेवजह शोर मचाने से या टीचर पर इल्जाम लगाने से आपकी बेटी मिल जाएगी क्या? स्कूल में एक टीचर की डेथ होने की वजह से स्कूल को हाफ डे देना पड़ा। आप पुलिस स्टेशन जाइए, कंप्लेंट लिखाइए, वो ढूंढेंगे आपकी बेटी को। आपको मेरा जो भी सपोर्ट चाहिए मैं पूरा सपोर्ट करूंगी। उम्मीद करती हूँ सब कुछ अच्छा होगा। सर मैंने FIR फाइल कर दी है। हमने आपकी बेटी की तलाश शुरू कर दी है। आप लोग घबराइए मत, इस तरह रोना धोना करने से बेटी को जल्दी तो नहीं मिल जाएगी ना। आप हौसला रखिए, हम उसे जल्दी ढूंढ निकालेंगे। हाँ बोलो। ओके। मथो, शाम 5 बजे मेरी बेटी को स्कूल से पिकअप करना है, टाइम पर पहुंच जाना। हाँ देखिए, अगर उसे किसी ने किडनैप किया है तो पैसे मांगने के लिए या धमकी देने के लिए कोई ना कोई फोन करेगा। अगर उन्होंने कॉल की तो हम उसे ट्रैक करेंगे और मॉनिटर करेंगे। अपना एक आदमी आपके घर भेज रहे हैं, आपको चलेगा ना? अपना भगत कहाँ है? बस आ ही रहा है सर। पिछले महीने 8 तारीख को रात 8 बजे लापता हुई, अपने स्कूल गई थी वो। उम्र 12.5, हाइट 5, वेट 40, बिल्ली की जैसी आंखें, इतना काफी है? ये भी बताओ रात को तू किधर जाता है पागल? तेरे भेजे का मेमोरी कार्ड चेक कर रहा है? मतलब नहीं, तेरे मतलब का मतलब जानता हूँ। तू यही जानना चाहता है तेरी बेटी को ढूंढने गया नहीं? हाँ सर। मैं सच बोलूँ या झूठ बोलूँ? नहीं झूठ मत बोलिए सर। एक बगिया सज नहीं सकती कागज के फूलों से, तेरी बेटी को ढूंढूंगा उसूलों से। भाई साहब बात क्या है? मेरी बेटी को गायब होकर 1 महीने के ऊपर हो गया, अभी तक उसका कुछ पता नहीं चला। किस हाल में होगी मेरी बच्ची? पुलिस ने क्या कहा? हर बार कहते हैं कि हम लोग उसे ढूंढ रहे हैं। कुछ कहा बच्ची कब मिलेगी? यही जानने के लिए तो मैं यहाँ रोज आता हूँ, पर वो कुछ बताती नहीं। आप मेरी मदद कीजिए प्लीज, कम से कम मुझे ये तो पता चले मेरी बेटी मर गई है सिंधा। आपको किसी पर शक है जिसने आपकी बेटी को किडनैप किया हो? हमें किसी पे शक नहीं है। मॉर्निंग सर। ऐसे चिल्ला क्यों रहा है? खाना खाया? तुम्हें एक केस दे रहा हूं, इनकी बेटी लापता है। सर, इनके साथ इनके घर चले जाओ और सारे फोन कॉल टैप करो। हो पाएगा ना तुमसे? अरे मेरे भापले भाई, कोई मैसेज हो क्या जो आप इधर उधर फॉरवर्ड करते लेते हैं? आप तो मेरी नौकरी पक्की करने वाले थे, लेकिन आप तो मुझे टेलीफोन ऑपरेटर बना ले। मैं मामूली आदमी नहीं, मेरे पिताजी आर्मी में थे। और मेरे पिताजी नेवी में, तेरे से नहीं होगा, दूसरे से करा लूं। भापले आप मजाक भी नहीं समझते? चल मेरे साथ, खाना तो अच्छा पकाते ना, मैं खाने का शौकीन हूँ। बकवास बनकर निकल। डालाओ
और घर में ही रहना, ज्यादा बाहर मत जाना। ठीक है, गोंद लगा के चिपक जाऊंगा। सारे चैनल इन, अब चेक आउट। मैं कुछ खा के आता हूँ, फोन आए तो उठाना मत। ऐसे कैसे चले जाओगे? पीछे से किडनैपर का फोन आ गया तो? काम के चक्कर में भूखा मर जाऊंगा। अभी तो बिस्किट का पैकेट खाया। ए, तू मेरा हिसाब किताब लगेगा क्या? मेरे पिताजी भी मेरे खाने का हिसाब किताब कभी नहीं लगे। उनकी पूरी सैलरी हम खा पी के उला देते थे। और रही तुम्हारी लड़की की बात, वो ह्यूमन ट्रैफिकिंग में गायब हो गई है। साहब, ह्यूमन ट्रैफिक क्या होता है? अरे, लड़कियों को अगवा करके दूसरे देशों में ले जाकर बेचते हैं। अब तुम ये पूछताछ बंद करो और मुझे खाना परोसो। सिर्फ मातम मनाने की तैयारी शुरू करो। सब लोग कुछ नहीं समझे, समझा तो सिर्फ लड़की का बाप। इसलिए वो नए बच्चे की प्लानिंग करने दरवाजा बंद करके चला गया। लेकिन ये अकेला किसी फैमिली प्लानिंग कर लेगा? अरे रे रे, तेरी बकवास सुन के वो आत्महत्या ना कर ले। अकेले में कोई सुसाइड नहीं करता। अरे कोई रोको उन्हें, वो मर जाएंगे। क्या हुआ? दरवाजा खोलिए। ए, उठ यहां, चाके दरवाजा तोड़। जाना, चुप, आज तक बनेगा अखरोट नहीं तोड़ा, दरवाजा क्या तोड़ूंगा। विजय, जल्दी जाके मेरा लंच उतरे लेके आ। अब तक जब आप में खुद की जान लेने की हिम्मत आ सकती है, तो उसी हिम्मत का इस्तेमाल करके आप उसे ढूंढने की कोशिश क्यों नहीं करते? पुलिस का क्या है, वो तो टाइम पास करती रहेगी, आपको ही कुछ करना पड़ेगा। ए रोतलू, पुलिस नहीं ढूंढेगी, क्योंकि हम गरीब दो टाइम का कमा के तीन टाइम खाते हैं। यही बच्चा कमिश्नर या मिनिस्टर का होता ना, तो मिलिट्री तक उसे ढूंढने में लग जाती। ये जसपीस बिल्कुल सही बोल रहा है, तुम लोग खुद उसे ढूंढने पे लग जाओ। अगर मरने का शौक है तो उसे ढूंढते ढूंढते तुम भी शहीद हो जाओ। फिर मेरा तुम लोगों से वादा है कि बीच चौराहे पे तुम लोगों के मोम का पुतला बनाऊंगा। भूल क्या रही है? तेरी भांजी गायब है और तू सत की बैठी है। मेरे साथ ऐसा होता तो छह की जगह तीन टाइम खाता। घूर के डराती क्या मेरे को? बात कड़वी है पर सच है, इस दुनिया में कोई हमदर्द नहीं होता। लोगों के सामने भीख मांगने की जगह अपनी बेटी के बारे में सोचो। उसकी उम्मीद सिर्फ तुमसे होगी, चाहे कुछ भी हो जाए। उसका बाप जमीन आसमान एक कर देगा, पर उसे जरूर बचाएगा। अगर आज तुम मर गए तो उसके बचने की उम्मीद भी मर जाएगी।